हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 है, ये सेमेस्टर 6 SBT डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक और डायनेमिक रैम, उसके आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो रैम का डिज़ाइन है, एक जनरल डिज़ाइन है जिसको हम लोग डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक रैम चिप जो होगा उसको हम लोग तैयार करते हैं और इंटरनली किस तरह से सारे सर्किट को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये टॉपिक हम लोगों ने लिया है रैम डिज़ाइन का। और रैम डिज़ाइन में सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर, 1x4 बिट रैम, 1x4 बिट रैम में 1x4 बिट जो रैम होता है, ये 1x4 बिट रैम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और 1x4 बिट रैम का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता चल जाएगा। 1 का मतलब हो गया कि एक मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन में जो बिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो 4 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मेमोरी का कैपेसिटी कहलाएगा ये 1x4 होगा। तो टोटल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 बिट्स स्टोरेज का ये रैम डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 4 D flip-flop यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। रैम में डाटा जो स्टोर करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स में करते हैं। और यहाँ पर डी इनपुट्स में देखिएगा कि इनपुट लाइन्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन इनपुट लाइन्स को डायरेक्ट डी इनपुट में अप्लाई नहीं किया गया है। इसका कारण है कंट्रोल। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे फंक्शंस करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उनको इनेबल डिजेबल करने के लिए, या छोटे छोटे ऑपरेशंस को इनेबल डिजेबल करने के लिए वहाँ पर कंट्रोल हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट जो लाइन्स हैं वो डी इनपुट में अप्लाई किए गए हैं बफर्स के थ्रू। ये जो ट्रायंगल शेप है ये बफर्स है। बफर मींस होता है अ करंट एम्पलीफायर। और ये एक खास तरह का बफर है जिसको बोलते हैं ट्राई स्टेट बफर। तो ट्राई स्टेट बफर में एक खासियत क्या होती है कि ये कंट्रोल लाइन होता है। तो कंट्रोल लाइन का मतलब ये हो गया, जो लॉजिक को रीड करने का मेथड होता है कि जब आपको जैसे सिंबल जिस तरह से यूज़ करेंगे उसी तरह का लॉजिक यूज़ करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई बबल नहीं है। और बबल नहीं होने का मतलब कि लॉजिक हाई ऑपरेटेड होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि इनपुट डेटा डी में तभी अप्लाई होगा जब राइट पर हम लोग लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे। लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे तो ये चारों बफर इनेबल हो जाएगा, और चारों बफर इनेबल हो जाएगा तो ये डी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह से देखिए, डाटा को आउट करने के लिए रजिस्टर से यहाँ पर 4 बफर्स का सेट लगा हुआ है। तो डाटा को जब रजिस्टर से आउट करते हैं, कंप्यूटर में इसको कहते हैं रीड ऑपरेशन, और डाटा को जब हम लोग इन करते हैं तो कंप्यूटर में इसको कहते हैं राइट ऑपरेशन। आप लोग को याद होगा कि एक क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप होता है। तो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक का पर्पज़ क्या है? क्लॉक बेसिक फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक्चुअली में इनेबल डिजेबल पिन होता है। इनेबल डिजेबल का मतलब हो गया कि क्लॉक का लॉजिक जब हम देंगे तो वो डी फ्लिप फ्लॉप इनेबल होगा, और या नहीं तो फिर डिजेबल होगा वो। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्लॉक एक्टिव हाई वाला ही लिया है। एक्टिव हाई, इसमें सारे क्लॉक जो हैं एक साथ इससे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पेपर में, एक शिफ्ट रजिस्टर होता है। शिफ्ट रजिस्टर होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये है कुछ नहीं, ये पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। रैम जो है, जो कन्वेंशनली आप लोग मोबाइल में रैम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में जिस रैम को आप लोग जानते हैं, वो पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है, रैंडम एक्सेस होता है। आप ऐसा इसलिए है कि पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 4 लाइन से हम लोग इनपुट कर सकते हैं, 4 लाइन से आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट लाइन से I3 to I0, आउटपुट लाइन से O3 to O0। और यहाँ पर इस चारों डी फ्लिप फ्लॉप्स को एक्टिवेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही समय में चारों फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। इसका मतलब है कि टोटल मेमोरी लोकेशन जिसका कि साइज 4 बिट का है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद हम लोग उसमें डाटा को राइट कर सकते हैं। रीड करने के लिए
रीड करने के लिए इसके एक्टिवेशन लॉजिक को यहाँ पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हार्डवेयर हम लोग आगे एक्सपैंड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में ध्यान से देखिए कि चारों बफर जो है इस ब्लॉक में दिखाया गया है, ये राइट बफर्स है, राइट बफर्स को सिंगल कंट्रोल से यूज़ कर रहे हैं, ये राइट कंट्रोल हो गया, बफर के थ्रू इनपुट लाइन से बफर के थ्रू डाटा स्टोर होगा, रजिस्टर इसको बोलेंगे, डिजिटल में आप लोग डिजिटल वन में बोलते थे शिफ्ट रजिस्टर, लेकिन जब इधर कंप्यूटर में आइएगा एडवांस डिजिटल में आइएगा तो इसको सिंपली आप लोग रजिस्टर बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये 4 बिट स्टोर हो जाएगा, इसके आउटपुट लाइन से रीड बफर हो गया जो कि रीड कंट्रोल से काम करेगा और उससे हम लोग आउटपुट लाइन पे डाटा को मेमोरी से किसी भी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेमोरी से आउट कर सकते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ए पिन है, इसका नाम ए क्यू रखा गया है, ये आपको अगले टॉपिक में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने बनाया है, इसका एक्सटेंशन, इसका और भी एक्सपेंशन किया गया है, ये आपका है 4x4 बिट रैम का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। 4x4 बिट का मतलब ये हो गया कि अब इसमें 4 मेमोरी लोकेशन होंगे, चारों मेमोरी लोकेशन का कैपेसिटी होगा 4 बिट का, तो टोटल रैम का कैपेसिटी कहलाएगा 4x4। अगर हमसे टोटल रैम कैपेसिटी पूछेगा तो हम कहेंगे कि इसमें 16 बिट्स होंगे, लेकिन 16 बिट्स अरेंज किस तरह से हैं, एक इसमें मेमोरी लोकेशंस की संख्या कितनी है, तो हम इसमें कहेंगे 4 है, और हर एक मेमोरी लोकेशन का इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि हर एक मेमोरी लोकेशन का कैपेसिटी है 4 बिट्स का, तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी हो गया 16 बिट्स का। अब यहाँ पर देखिए कि राइट बफर रीड बफर्स ये हार्डवेयर को ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया गया है, यहाँ पर मान के चलेंगे कि इनका पैरेललिंग हुआ है और इसमें से डाटा इन और आउट तभी होगा जब राइट बफर्स या रीड बफर्स इनेबल्ड होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 4 बिट्स का यहाँ पर 4 रजिस्टर है, अब इन चारों रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमको एक डिकोडर चाहिए, यहाँ पर एक ही रजिस्टर था तो यहाँ पर किसी डिकोडर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर चार रजिस्टर होगा तो हमको यहाँ पर डिकोडर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिकोडर से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो ये कंट्रोल लाइन्स है इसमें जो 4 लाइन्स है, 4 रजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए 4 लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिकोडर को यूज़ करके मात्र हम 2 लाइन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आईसी के बाहर जो पिन होगा उनकी संख्या जो है कम होगी, और हम लोग जानते हैं कि डिकोडर में इनपुट की संख्या और आउटपुट की संख्या 2 to the power number ऑफ इनपुट्स इक्वल्स आउटपुट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 लोकेशन है तो ये 2 होगा, 8 लोकेशन है तो 3 होगा, 16 लोकेशन है तो 4 एड्रेस लाइन्स होगा, 32 लोकेशन है तो 5 होगा। उसी तरह से अगर 1000 रजिस्टर बनाएंगे तो मात्र 10 पिन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही कारण है कि यहाँ पर डिकोडर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिकोडर का मेन पर्पज़ है टू कीप द नंबर ऑफ रजिस्टर सेलेक्शन पिन्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसी कारण से डिकोडर का यहाँ पर यूज़ करते हैं, नहीं तो मेमोरी का आईसी जब फैब्रिकेट होगा तो बाहर में पिन्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिनको प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फैब्रिकेट हम इंटरनली कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नली पिन वहाँ पर आपको फिजिकली प्रोवाइड करने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 रजिस्टर हमने बनाया है, 4 के लिए ऐसा डिकोडर लेना है जिसके आउटपुट में 4 पिन्स होने चाहिए, और ये A1 A0 है। डिकोडर का फंक्शन आप लोग उम्मीद है जानते होंगे। डिकोडर में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर उसी से इस स्ट्रक्चर से हम लोगों ने इसका एड्रेस बनाया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये रजिस्टर 0 रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3। अब यहाँ देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्यों किया गया, ये डेसिमल में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर का ये डेसिमल नंबरिंग है और उसके बाद इनका बाइनरी एड्रेस देखना है, क्योंकि डिकोडर जो है ये सारा डिवाइस डिजिटल में बाइनरी डिजिट्स के साथ काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्टर 0 डिकोडर के फंक्शन से आप लोग को पता होगा कि जब A1 A0 अगर इसको MSB माने तो जब 00 देंगे तो इस 0 पे 1 जाएगा और बाकी तीनों पे 0 जाता है। तो जब 0 पे 1 जाएगा तो 1 जाने का मतलब है कि ये वाला रजिस्टर एक्टिवेट होगा, और चूंकि इसके लिए वैल्यू इसका 00 है इसीलिए हमने रजिस्टर का नाम यहाँ पे रखा है 0, और यही मेथड भी है।
इसके बाद देखिए, जब ये बाइनरी एड्रेस A1 A0 होगा तो 01 अप्लाई करेंगे, जब यहाँ 01 अप्लाई करेंगे तो वन लाइन ये वन वाले आउटपुट पे वन जाएगा, बाकी तीनों पे जीरो जाएगा। इसका मतलब है कि रजिस्टर नंबर वन एक्टिवेट होगा, उसमें रीड और राइट ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से जब टू होगा तो ये 10 होगा, 10 देंगे तो बाकी ऊपर में 00 होगा, इस लाइन पे वन जाएगा, इस पे जीरो होगा, जब वन अप्लाई करेंगे तो रजिस्टर नंबर टू रीड राइट के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद रजिस्टर नंबर थ्री, जब 11 यहाँ पर देंगे तो यहाँ 000 डिकोडर में एक बार में एक ही आउटपुट वन होता है, तो यहाँ पर 000 होगा, यहाँ पर वन आएगा, वन जैसे ही होगा तो ये रजिस्टर एक्टिवेट होगा। और चूंकि 11 दे रहे हैं, इसका डेसिमल वैल्यू 3 है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि रजिस्टर नंबर 3 है। तो ये बाइनरी एड्रेस है, इस ये आपका 2 बिट का हम लोगों ने एड्रेसिंग इसमें किया है, और इसीलिए इनको हम लोग कहेंगे एड्रेस पिंस। ये जो हो जाएंगे ये एड्रेस पिंस कहलाएंगे, और यही कारण है कि हमने इनका नोमेनक्लेचर लेटर ए से किया है। लेटर ए इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एड्रेस पिंस। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखिएगा कि इसमें एक जनरलाइज किया गया है इस डायग्राम को, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अब ये अगला जो डायग्राम है इसमें 2-3 मॉडिफिकेशन है जिसका हम एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहे हैं, और कभी क्लास में अगर हम लोग आगे के लेक्चर्स में होगा तो इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ कुछ एजम्पशन यहाँ पर लेके चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सब जो है यूनिडायरेक्शनल बफर सिस्टम है, ये यूनिडायरेक्शनल बफर सिस्टम है, और यहाँ पर करते क्या है कि बाद में मॉडिफाई करके बाईडायरेक्शनल बफर्स लगाते हैं। तो बाईडायरेक्शनल बफर्स का मतलब ये हो गया कि एक ही पिन से आप इनपुट भी ले सकते हैं, एक ही पिन से आउटपुट भी ले सकते हैं, बाईडायरेक्शनल बफर का यही फायदा है। तो बाईडायरेक्शनल बफर अगर इसमें लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो डाटा पिन्स होगा ये बाईडायरेक्शनल हो जाएगा, और बाईडायरेक्शनल का मतलब है कि इसी से डाटा को आप आउट भी कर सकते हैं, डाटा को इन भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनको ना इनपुट लिखा गया है ना आउटपुट लिखा गया है, यहाँ पर डी इंडिकेट कर रहा है कि ये डाटा पिन्स हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि रैम में जो डाटा पिन्स होते हैं वो बाईडायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि ये रीड फंक्शन भी करते हैं और ये राइट फंक्शन भी करते हैं, मतलब डाटा को इधर से इन भी कर सकते हैं, डाटा को आउट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ये मॉडिफाइड डायग्राम है, और इसके बाद देखेंगे कि रीड राइट बफर्स जो है, ये बफर्स हम लोग को क्या करना है कि रीड राइट में एक और एक्स्ट्रा कंट्रोल पिन प्रोवाइड करने के लिए, उसका नाम है CS, यहाँ पर देख रहे होंगे, और CS को CE भी कहते हैं। CS का मतलब हो गया चिप सेलेक्ट, CE का मतलब हो गया चिप इनेबल। इस पिन का फंक्शन मेमोरी में दिया जाता है कि इससे हम लोग सिंगल कंट्रोल से रीड और राइट को इनेबल कर सकते हैं या तो फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सिंगल कंट्रोल पिन है, मास्टर की पिन होता है ये, और इसका काम होता है कि जब अगर ये इसका लॉजिक अगर फेल कर गया, तो लॉजिक अगर इसका सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ना ही आप रीड कर सकते हैं ना ही राइट कर सकते हैं। कंप्यूटर में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि सपोज़ कर लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या तो जो आपका CPU है वो अभी उस मेमोरी में काम नहीं करना चाहता है, तो उस मेमोरी में अगर काम नहीं करना चाहता है तो चिप को डिसेबल कर देता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह से इसका हार्डवेयर बनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बाकी सब स्ट्रक्चर वही है, खाली यहाँ पर हमने क्या किया कि बाय डायरेक्शनल डाटा पिंस दिया है, और इसमें करना क्या है कि देखिए, ये हमने ये एक टेबल लिखा है अपने तरफ से। डिजिटल डिज़ाइन में आप लोग जानते हैं कि आप जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि चिप सेलेक्ट को 1 में इनेबल हमने माना है। चिप सेलेक्ट अगर 1 होगा तब मेरा IC जो है इनेबल्ड होगा। इनेबल्ड का मतलब है देखिए 0 और 0 का मतलब यह हो गया कि हम चाह रहे हैं कि जब 0 और 0 होगा तो यहाँ पर राइट और रीड, ये देखिएगा, ये राइट रीड इनपुट वाला है, ये राइट रीड आउटपुट वाला है। तो इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि ना ही रीड हो ना ही राइट हो, क्योंकि चिप सेलेक्ट तो है लेकिन रीड और राइट का कंट्रोल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 0-0 हो गया, ना ही ये इसमें हम लोग रीड कर पाएंगे और ना ही राइट कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि चिप सेलेक्ट को 1 हम लोग इनेबल मानते हैं, इनेबल मान के राइट अगर 1 है तो एक्टिव लॉजिक 1 मीन्स यस, 1 मीन्स यस हुआ, यस मीन्स राइट हुआ, राइट इज यस हो गया, तो राइट यस है तो आपका आउटपुट पिन जो है राइट यहाँ पर इनेबल होना चाहिए ये वाले बफर में, ठीक है। उसी तरह से 1-0-1 यहाँ पर रीड यस है, तो रीड यस है तो बफर में रीड इनेबल होना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 1 दे रहे हैं और दोनों पे अगर 1 दे रहे हैं
तो ऐसा तो आप लोग पता है कि चूंकि बाइडायरेक्शनल डेटा बस है तो एक ही टाइम में आप रीड और राइट दोनों काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनवैलिड कंडीशन है। इस तरह के इनवैलिड कंडीशंस को कि हम अपने डोंट केयर कंडीशंस भी कहते हैं। और यहां पर देखिए कि लास्ट वाला हमने लिखा है, तो ये जीरो का मतलब हो गया कि हम इसमें चाह रहे हैं कि जीरो का मतलब डिसेबल्ड हो जाए। आईसी डिसेबल्ड का मतलब है कि राइट भी नो हो जाएगा, रीड भी नो हो जाएगा। और इसके लिए राइट रीड जो है ये डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर का मतलब है कि अगर आप यहां पर चिप सेलेक्ट अगर जीरो हो गया तो इस राइट और रीड इनपुट में आप कुछ भी देंगे, आईसी में कोई भी फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ऊपर वाला, ये इनेबल्ड कंडीशन है आईसी का, और ये नीचे वाला जो कंडीशन है ये डिसेबल्ड कंडीशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा हार्डवेयर डेवलप किया, हम लोगों ने देखा कि कैसे रजिस्टर बनाते हैं, कैसे मल्टीपल रजिस्टर बनाते हैं। मल्टीपल रजिस्टर जब बनाएंगे तो यहाँ पर डिकोडर की ज़रूरत होगी, और जब डिकोडर की ज़रूरत होगी उसके बाद हम लोग करते हैं कि यहाँ की कंट्रोल लॉजिक बनाते हैं। इतना सारा फंक्शन जो है आईसी में दिया जाता है मेमोरी में, ताकि कंप्यूटर में हर तरह का काम जो है कंट्रोल सीपीयू के कंट्रोल के लिए दिया जाता है, बिकॉज कंप्यूटर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिवाइस। अब यहाँ पर देखिएगा एक जनरल ब्लॉक डायग्राम हमने दिया है लास्ट में, एक जनरल ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर में रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में यहाँ पर ये हार्डवेयर यहाँ पर दिया रहेगा, और इसमें बफर्स है, ये सारा अंडरस्टूड अब होना चाहिए कि सब उसमें इनबिल्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर जीरो दे दिए चिप सेलेक्ट, तो जीरो का मतलब एंड गेट दोनों में जीरो देगा, दोनों में जीरो देने का मतलब है कि ना राइट होगा ना रीड होगा। जब ये वन होगा तो राइट और रीड को हम इनेबल कर सकते हैं। वन के साथ देखिए ऊपर में वन देंगे तो यहाँ पर वन वन और वन जाएगा तो राइट इनेबल हो जाएगा, लेकिन राइट के साथ जब वन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साथ आप रीड और राइट दोनों काम नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से जब रीड पे वन देंगे तो राइट पे जीरो होगा, तो रीड पे वन है, चिप सेलेक्ट पे वन है, तो इस पर वन वन देंगे, ठीक है, इस पर अगर हम लोग वन वन प्रोवाइड करेंगे तो इसको जीरो देना पड़ेगा, यहाँ पे वन आएगा यहाँ जीरो आएगा, और इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर रीड ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल लॉजिक का फंक्शन हो गया, और उसी को हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक डायग्राम में दिया। तो जितने भी सारे आपने एक्सटर्नल पिंस क्रिएट किए हैं वो सारे पिंस को आपको दर्शाना पड़ेगा, और उसके अलावा एक आध दो पिन एक्स्ट्रा होते हैं पावर सप्लाई के लिए। तो जब किसी भी कमर्शियल आईसी का आप लोग रैम का पिन डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो इसके अलावा आपको दो ठो उसमें पावर सप्लाई पिन मिलेगा। बाकी हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये सब कंट्रोल पिंस है, चिप सेलेक्ट, राइट, रीड। राइट और रीड पर लॉजिक काम करने के लिए आपको जरूरी है कि चिप सेलेक्ट का लॉजिक सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्टिव हाई भी हो सकता है, एक्टिव लो भी हो सकता है। हम लोगों ने डिजाइन किया है एक्टिव हाई से, ठीक है, लेकिन जनरली ये आईसीज में एक्टिव लो होता है। अब यहां पर देखिए हमने एड्रेस लाइंस की संख्या एन कर दी है, A0, A1, AN-1। आप लोग देख रहे थे कि यहां पर चार रजिस्टर है तो इसका वैल्यू 3 तक जाता है। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं तो A0 A1 हुआ, इसका मतलब है कि नंबरिंग आपका एक कम होगा। तो A0 से सुखी शुरू हो रहा है तो ये N-1 होगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एड्रेस पिंस आपका N है। अब डिकोडर के इक्वेशन से आप लोगों को पता है कि रजिस्टर्स की संख्या जो होगी नंबर ऑफ रजिस्टर्स 2^n होगा, और इसको हम लोग एम मान लेते हैं। जो एड्रेस रेंज होगा आप लोगों को पता है 0 डेसिमल से लेके 2^n-1 डेसिमल तक होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एड्रेस नंबर 0 है, डेसिमल में पढ़ रहे हैं, और ये 2^ कितने रजिस्टर्स हैं, एड्रेस लाइंस हैं 2 ठो, तो 2^2 4 हुआ, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आप लोग को इसको ये करना है 2^n सॉरी, और इसको कर देना है -1, ठीक है, और इसका वैल्यू आप लोग को डेसिमल में लेना है 2^2, देखिए 4 हुआ और 4-1 3 हो गया। तो ये रजिस्टर नंबर, ये एड्रेस नंबर 0 टू एड्रेस नंबर 3। अब इसके बाद देखिए डिकोडर का साइज भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि एन लाइन टू एम लाइन डिकोडर होगा। मेमोरी की कैपेसिटी जो होगी, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितना हो गया, एम हो गया, नंबर ऑफ रजिस्टर्स एम हो गया। और हमने यहाँ पर देखिए 8 बिट दिखाया है, क्योंकि रैम और रोम का जो स्टैंडर्ड डेटा साइज होता है, वर्ड साइज होता है, वो हमेशा 8 बिट का ही होता है। हमने एग्जांपल 4 बिट का दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 8 बिट का डेटा लाइन है बाइडायरेक्शनल, और तो यह इसका मतलब कि मेमोरी की कैपेसिटी जैसा मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस एम हो गया और इनटू 8 करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मेमोरी लोकेशंस की संख्या एम है और हर एक लोकेशन में हम 8 बिट को स्टोर करते हैं।
और यहाँ पर M आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स है और ये नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस है। तो ये एक सिंप्लीफाइड हार्डवेयर है, इसमें कुछ चीज़ों को हमने ओमिट कर दिया है सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए कि मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्लास रैम डिज़ाइन का। अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि रैम की कास्केडिंग कैसे करते हैं, मतलब छोटे छोटे रैम को जोड़ के और बड़ा रैम कैसे बनाते हैं, जो कि एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम्स में होता है। फॉर द टाइम बीइंग हैव अ गुड डे एंड गुड लक।